हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिगुनिया प्लांट के बारे में बताऊंगी कि इसको समर सीज़न में आप कैसे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा प्लांट है बिगुनिया का। इसको मैं जनवरी में छोटा सा लेकर के आई थी, उसमें सिर्फ 2-3 लीफ थी, और अब ये देखिए कितना बुशी हो गया है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। फ्रेंड्स, बिगुनिया एक पेरेनियल प्लांट है, ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी कई वैरायटी आती है, हाई ब्रीड में भी आता है, ये देसी में भी आता है। फ्रेंड्स, ये हाई ब्रीड है। देसी वैरायटी के फ्रेंड्स फ्लावर जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं ये, और इसके फ्लावर के बहुत सारे कलर भी आते हैं फ्रेंड्स। और मेरे पास तो ये एक ही है, और लास्ट ईयर कई थे और वो ख़राब हो गए थे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको फ्रेंड्स विंटर सीज़न में तो इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, और विंटर सीज़न में इसकी लीफ का कलर जो है फ्रेंड्स वो रेड रहता है, और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे फ्रेंड्स, ये पूरे साल गार्डनिंग में रहता है और ये फ्लावरिंग करता रहता है, और समर सीज़न आते ही फ्रेंड्स इसको पार्शियल शेड या तो प्लांट्स के बीच में रख देना चाहिए ताकि इसमें नमी बनी रहे, और अगर इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी लीफ जो है वो बर्न होने लगती है और बहुत जल्दी फ्रेंड्स ये ख़राब हो जाता है ये। और ये पूरे साल देखिए फ्रेंड्स, ये इसी तरह से ये फ्लावरिंग करता रहता है, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है ये। वाटरिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि इसकी सॉइल जो है वो नम रहे, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। इसको सैंडी सॉइल पसंद है, और वेल ड्रेन इसकी में सॉइल बनाना चाहिए। अगर फ्रेंड्स इसको समर सीज़न आते ही हम लोग इसको बचा लेते हैं तो ये पूरे साल हमारे गार्डन में रहता है, और इस प्लांट को इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसको और इसको स्टेम से कटिंग ले करके लगा देते हैं तो बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। वैसे फ्रेंड्स, इसके सीड भी बनते हैं, लेकिन सीड से कभी फ्रेंड्स से तो प्लांट लगाया नहीं है मैंने। मैंने लास्ट ईयर मेरे पास प्लांट था तो उसके सीड बने थे, मैंने कभी उसको लगाया नहीं। और देखने में देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लगता है, और ये बहुत जल्दी पूरे गमले को कवर कर लेता है। ये हैंगिंग पॉट्स में भी बहुत ही अच्छा लगता है। बस समर सीज़न में इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, और इसको पार्शियल शेड में रख देना चाहिए जहाँ पर इसकी नमी बनी रहे, तो ये पूरे साल हमारे गार्डन में रहता है। और पेट्स अटैक का फ्रेंड्स अगर बात करते हैं तो इसमें मिलीबग फ्लाइस कभी कभी अटैक होता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप जो है नीम ऑयल स्प्रे और या कोई भी लिक्विड सोप का स्प्रे कर सकते हैं, तो पेट्स हट जाते हैं फ्रेंड्स। और इसको कोई ख़ास फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको बीच बीच में देते रहिए। समर सीज़न में तो इसको किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो हैं फ्रेंड्स वो जल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।